अरे बहुत डीप लाइन हो जाएगी वैसे, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अगर कोई तुम्हारे पापा की बेइज्जती करके चला जाए तो तुम उससे जाओगे बात करने की? हाँ लटक ले तो बेटा गेले। ये देखिए बुलेट पैर एकदम उड़ता हुआ जा रहा है, एकदम लहलाता हुआ जा रहा है। क्यों मरा रावण आखिर? क्योंकि अपने ही घर का भेदी लंका ढाए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमें पहुंचना है दुर्गापुर, और दुर्गापुर का मीटअप अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बट मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा। फिलहाल 11-12 बज रहा है और यहां से निकलते हैं, बिकॉज आज हमने काफ़ी आराम कर लिया है। कल रात के सोए, मतलब 3 बजे सोए थे, लेकिन काफ़ी रेस्ट हो चुका है। पैकिंग सारी हो चुकी है, ऋषि नीचे पहुँच चुका है, बैग वगैरह सारे पैक हो चुके हैं, ये अपने वीडियो का थंबनेल बनाते हुए। और अब यहाँ से निकलते हैं नीचे, और नीचे कुछ खाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। सो गाइस, सारा सामान पैक करके हम आ चुके हैं अपने होटल के नीचे रेस्टोरेंट में। यहाँ पे कुछ खाएंगे, नाश्ता करेंगे, बिकॉज अब हमें रुकना नहीं है, अब हमें सीधे पहुँचना है दुर्गापुर। उधर आप देख सकते हो वहाँ पे हमारी गाड़ियों में लगेज बन चुके हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, अहम मुद्दा मैं आपसे उठाना चाहूँगा समाज में। ये लड़का देख रहा है ऊपर राइडिंग जैकेट और नीचे क्या बैठा हुआ है, राइडिंग बूट। कह रहा आज अपन ऐसे ही गाड़ी चलाएगा, आज पूरे जगह दो तीन तो ऐसे बिछ जाएंगे देख के। अरे ये क्या देख लिया, यो क्या देख लियो मोड़ी भैया। अरे तो गाइस, फाइनली हमने बाइकें निकाल लिए, खाना पीना हो गया, यहाँ से निकलने का समय हो गया है। लेट हो चुका है, 1:20 हो रहा है, लेकिन हमें आज का रूट जो है वो सिर्फ दुर्गापुर तक कवर करना है, इसीलिए हमने कहा चलो आराम चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गापुर जाना है भाई अपने को, अब यहाँ से निकलने का टाइम है। ये तो बड़ी अखंड यार वो हो गई है, अब मैं बैग कैसे करूँ? मम्मी रे, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। भाई इन गाड़ियों को पीछे करना, लाले पड़ जाते हैं। हाँ चलो गाड़ी स्टार्ट, ओके 1 2 3 कोल्ड स्टार्ट हमने इसे कर ही दिया था, बाकी बजरंग बली का नाम लेते हुए हम आगे का रास्ता कवर करेंगे। तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि हमें रास्ते में कहीं रुकना ना ही पड़े तो अच्छा है। अपनी पुष्पा से इतनी लंबी राइड में पहली बार कर रहा हूँ, और रास्ते में अगर कोई मिलता है ना तो यार इतना अच्छा लगता है हमको कि मतलब अपने भाई लोग कितना प्यार करते हैं हमसे। जैसे कल आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि लोग रास्ते में खड़े हुए थे और इतना इतना प्यार देते हैं हमें, हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं, रोज देते हैं, बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो अब दुर्गापुर से प्यार बटोरने की बारी है। रे 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 रे, इतना गंदा रास्ता कहाँ से आ जाता है अचानक से अच्छे अच्छे रास्तों के बीच में? सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख जो है वो आता ही रहता है गाइस, ये तो ज्ञान की बात थी। उसी हिसाब से रास्ता भी ऐसा ही होता है, कभी खराब रास्ते कभी अच्छे रास्ते आते रहते हैं। जीवन में रास्तों की चिंता मत करें, मंजिल को ध्यान में रखते हुए चलते रहे, आज का गुप्त ज्ञान। बोले तो ये इलाका थोड़ा पहाड़ी है, इसीलिए रात में जो ठंडक थी यहाँ पे ज्यादा। और ये डाइवर्जन के नाम पे भाई इतने डाइवर्जन है यहाँ कि कभी कभी तो कंफ्यूज हो जाए इंसान कि ये रोड में डाइवर्जन है डाइवर्जन में रोड। देखो गाइस, दुर्गापुर से होने के बाद हमें कोलकाता के लिए भी निकलना है, तो कोलकाता पे भी हमने एक मीटअप प्लान रखा है, है तो एकदम माहौल मचा देंगे। इस बार बांधने के बाद तुमने कहा कि इस बार तो कुछ होगा ही नहीं, तो अपनी जगह से भी नहीं हिला है, नीचे का बैग देखे पूरा टेढ़ा हुआ है। कार्बोनाडो अपनी जगह से नहीं हिला है, बिल्कुल भी नहीं हिला, यहीं पे मैंने बांधा, यहीं पे है। पहचान आपको दिखा दूं, ये प्लास्टिक के बगल में ये वाली। चलो सीधे करो। अच्छा सामने पहाड़ों का नजारा देख लो भैया, इसी वजह से ठंडी थी यहाँ। तो यहाँ बैग हमारा जो रहा है भैया वो लटक गवा रहा है एक साइड, हम कहें रोक के सही कर ले, नहीं पता चले इधर उधर तड़बड़ा जाए तो फिर दिक्कत हो जाए, समझे। और ऋषि तो भागत चला जा रहा है, पता नहीं कहाँ पहुँच गया। गाइस लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गुजरा था तो ये सारा का सारा रास्ता हमने रात में कवर किया था, दिन में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया था कि अगल बगल हमारे क्या है, बस हमें रोड दिखती है। रात में ट्रैवल करने में यही एक नुकसान होता है कि अगल बगल सिर्फ और सिर्फ हमें रोड दिखती है, बाकी कुछ नहीं दिखता है, ना घर दिखते हैं ना कुछ दिखता है। तो अभी ये रास्ता हम दिन में कवर कर रहे हैं और यहाँ की हालत हम देख पा रहे हैं कि हाँ क्या माहौल है, कैसे लोग रहते हैं, थोड़ा थोड़ा कल्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी भी ये डेवलपिंग है, गांव जैसा एरिया है बहुत सारा। ओ माय गॉड, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे, इतने बड़े बड़े गड्ढे। हाँ भाई ठीक है, समझ गए गड्ढे हैं। सो गाइस रास्ते ऐसे मिल रहे हैं, कहीं अच्छा रास्ता है कहीं खराब रास्ता है कहीं पैची रास्ता है, लेकिन इन रास्तों में एक चीज कॉमन है कि जितने लोग गाड़ियां चला रहे हैं वो कभी भी ऐसे 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 आ जा रहे हैं, कुछ उल्टा चले आते हैं, कुछ का आता पता ही नहीं रहता कि कहाँ से कूद पड़े रोड के बीच में। तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही है,
एक दो बार बच गए हम लोग, नहीं तो सामने से अचानक से ऐसे निकलते हैं अटैक से। कोई फर्क नहीं पड़ता रोड पे कितनी गाड़ियां आ रही है, क्या हो रहा है, वो लोग ऐसे ही निकल आते हैं। बाकी अब आई थिंक यहाँ से रास्ता अच्छा हो जाएगा, ये रास्ता अच्छा है। और ये डाई स्कॉर्पियो कहाँ द्याखत बाबू, सर स्कॉर्पियो वाले द्याखत जरूर है पलट के। सोचा तो ये अतनम तो स्कॉर्पियो लेके हम बैठ के घूम रहे, नहीं सर गाड़ी जा रहे हैं। एक टाइम था जब फॉर्चुनर वाले पंगा लेते थे, आज स्कॉर्पियो वाले जो उसमें आ गए, कहीं पापा से जीती थी ये। आज हम इसको हराएंगे। तो गाइस इधर की लोकेलिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे तो, और रोड तो अच्छी है ही है। हमारी गाड़ी 5-5.5 लीटर तेल जो है वो पी चुकी है अभी, है मतलब बरका फ्यूल। कैमरे लगे हैं भाई इस रोड पे, कैमरे बगोदर 02 हजारीबाग 52 किलोमीटर धनबाद 74 किलोमीटर चलते रहो। इधर गाइस एक बहुत ऊंचा पहाड़ दिख रहा है, टुंडुल जैसा निकला हुआ एकदम, और इधर भी पहाड़ एकदम, पहाड़ों ने तो यहाँ एकदम तहलका मचा रखा है। ये लास्ट टाइम हमको कुछ दिखा क्यों नहीं था भाई, क्योंकि रात में निकले थे हम। यार यहाँ पे एक जगह है तोप चांची, जो यहाँ से 40 किलोमीटर है भैया। कैसे कैसे नाम रख देते हैं यार, तोप चांची, क्या बात है। फाइनली इतनी देर बाद हमने 200 टच किया है। ओ भाई मजा आ गया, मजा आ गया। गाइस यहाँ पे आने के बाद हमें ये रियलाइज हो रहा है कि हम पहुँच चुके हैं उत्तराखंड के पहाड़ों में। ये देख रहे हो बगल में पहाड़ है, इधर पहाड़ है, सब पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे हैं। हमने तो देखा भी नहीं था कि झारखंड में भी पहाड़ है, हम अपनी आंखों से पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि हम दूसरी बार आ रहे हैं और पहली बार हम रात में आए थे, तो रात के अंधेरों में ये सारी चीज़ें दिखती ही नहीं है। अब हमें दिख रहा है कि इधर भी पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, सब पहाड़ी पहाड़। बारावा अड्डा, क्या बात है भाई। और जगह का नाम जब आप सुनते हो ना ऐसे अचानक से, तो क्या ही बताएं कि ओ मम्मी रे ओ, कैसा लगता है। टेप लगा दिन सरव, तीन बार बनवाई नहीं काम चला, टेप लगा के चिपका दिन। पेंसिल अरे भैया, ये सब जुगाड़ से यात्रा हुई। कौन सब्सक्राइबर खड़े हैं भैया, कहाँ खड़े हैं भैया। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, ट्रक के पीछे लिखी हुई टैगलाइन सुनी होंगी, बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन ये डेफिनेटली आपने जीवन में कभी नहीं सुना होगा। क्या ये जो सामने लिखा हुआ है, लटकले तो बेटा गेले। समझ रहे, इसका मतलब क्या है उनका समझ में नहीं आवा, लेकिन यूं समझ में आवा गुल लटके कहीं कहा था भैया कि बस लटक लियो, लटकले तो बेटा गेले। अब गेले का क्या मतलब भैया। इधर की रोड इतनी प्यारी है यार, इतनी प्यारी है कि भगाने में इतना मजा आ रहा है ना, क्या ही बताओ। और दोनों लौंडे पता नहीं कहाँ आके गायब हो गए, मतलब सोच रहे हो मैं जड़े चिनार से पीछे चल रहा हूँ और वो दोनों लौंडे आगे भागे जा रहे हैं। इतनी बढ़िया रोड मिल गई इन लोग को। अरे बुर्ज खलीफा मिल गवा रहे भैया, दुई दुई बुर्ज खलीफा। नहीं नहीं ये ट्विन टावर आए, बुर्ज खलीफा ना यू ट्विन टावर आए। अरे राम राम, काला है काला धुआं, कौन फोन करत सर। ऋषि कभी कभी दिल से बुरा लगता है सारी चीजें जब अपने ही अपने ना हो। हाँ बहुत बुरा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, यही दुनिया है। क्या बताए भाई, भगवान कलयुग है ये। बात चली भाई, बहुत बुरा लगता है। अच्छा एक बात बताओ, अरे बहुत डीप लाइन हो जाएगी वैसे, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन अगर कोई तुम्हारे पापा की बेइज्जती करके चला जाए तो तुम उससे जाओगे बात करने की। हाँ करना छोड़ो, मैं उसे मारने लगूंगा ये रात को। हैं कोई बात नहीं यार, अकेले आए थे, अकेले जाना है। हाँ भाई ले लो भाई। इस
बीच में हम रुक गए थे थोड़ी देर के लिए बिकॉज ये लोग काफी ज्यादा पीछे हो गए थे। उसके बाद थोड़ी देर बैठ गए तो कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग आ गए, फिर उनके साथ फोटोज क्लिक कराई और अब निकले और मिल गया हमें ट्रैफिक वाला रास्ता। यहाँ पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक है भैया, ये ऐसी रोड है जो बहुत ज्यादा चलती फिरती हालत में। आई थिंक यहाँ सिटी है या कुछ ना कुछ तो है भाई, कोई ना कोई सिटी है कस्बा है जिसकी वजह से ट्रैफिक लगा हुआ है, क्योंकि नॉर्मल लोग शॉपिंग करने भी निकले हुए हैं। तो इसको क्रॉस करते हैं जल्दी फटाफट। लेकिन भाई कुछ चीज़ें हैं ना जो देख के दिल से बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है यार, क्या बताएं यार। लेकिन पुरानी चीज़ें याद करते हैं ऐसी, जैसे मतलब ये सारी चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं। आप कह सकते हैं जैसे रावण क्यों मरा, क्यों मरा रावण आखिर, क्योंकि अपने ही घर का भेदी लंकट है, वही हाल है भैया। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ शायद बहुत सारे लोग गेस कर लें, शायद बहुत सारे लोग के सर के ऊपर से निकल जाए, लेकिन जो लोग गेस कर लेंगे भाई सही कह रहे हो। सो गाइस 3:45 हो चुका है और सनसेट होने वाला है यार, जानते हो ठंडी में 5 बजे के आसपास सनसेट हो जाता है, तो बस ये टाइम जो होता है सबसे बेस्ट होता है राइड करने का, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा धूप से परेशान हो गए आप, एकदम परफेक्ट राइड का मज़ा लोगे आप। तो बढ़िया रोड है सनसनाती हुई, क्या सीन है भाई क्या सीन है, एकदम मजेदार, मजा ही आ गया। तो गाइस बंगाल में घुसते ही हमें पाला पड़ा एक बुलेट मैन से, समझ रहे हो, ये देखिए बुलेट मैन एकदम उड़ता हुआ जा रहा है, एकदम लहलाता हुआ जा रहा है। अरे कितना खुश है भाई, इसको देखो ये हमसे रेस लगा रहा है, छबरी राइडर वांट्स टू रेस विद बुलेट मैन। अरे इससे दूर हट लो भैया, नहीं पता चले अचानक से ब्रेक व्रेक मार दे उड़ जाए कहीं, ना तो हेलमेट पहनी, हेलमेट हाथे में रखे भैया, वो बड़ी जरूरी नहीं है, हेलमेट जरूरी है। चलो बुलेट का खत्म करी दरी, खत्म टाटा बाय बाय। वाह ये निकला एकदम रौले से, ये बात फाइनली खुश होएगा, तारीफ करते हैं। सो गाइस इधर आप ये देख सकते हो क्या फैक्ट्री है यार, एकदम अलग लेवल की लग रही है, और स्मोक देख रहे हो ऊपर, एकदम अलग ही फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है वहाँ जैसे वो एक्समैन वाली मूवी में लड़ाई हुई थी ना ऊपर, वो वाला फील आ रहा है इसमें, इसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा गजब लग रहा है। रोडें भी काफ़ी अच्छी हैं, साइड सीन भी सही है, फैक्ट्री होने के बाद भी सुंदर लग रहा है। दुर्गापुर 10 किलोमीटर बचा है खाली, हम दुर्गापुर पहुँच गए गाइस, एंड कोलकाता वी आर कमिंग, बी एक्साइटेड, जोश के साथ एकदम भर जाओ, तहलका मचा देंगे इस बार गाइस। सो गाइस दुर्गापुर में हमने कदम रख दिया और कदम रखते ही हमने पी कॉफ़ी, कॉफ़ी पीने के बाद भाई आ गए हमें यहाँ से लेने और ये हमें लेके जा रहे हैं होटल पे, जिस होटल पे हमें स्टे कराएंगे। लेट्स सी होटल कैसा है, क्योंकि लास्ट टाइम हम इस होटल में स्टे किए थे जब हम XBHP के साथ आए थे द सिटी रेजिडेंसी, अभी हम किसी और होटल में रुकेंगे बिकॉज यहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भाई शादी का सीजन चल रहा है तो सारी बुकिंग चल रही है। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं इस कमरे में जो कि है अपने विशाल भाई का, बिकॉज होटल यहाँ पे सारे के सारे फुल चल रहे थे क्योंकि शादी सीजन चल रहा है, तो हमने कहा चलो यार अपन जमीन से जुड़े लोग हैं, हमें कोई 5-स्टार चीज नहीं चाहिए, हम कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ आ चुके हैं, हमने यहाँ अपना सामान धर दिया है, फ्रेश हो गए हैं, मुंह वगैरह धुल लिया है, अब हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने दुर्गापुर, बिकॉज लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम कुछ भी घूम नहीं पाए थे, रात में 1 बजे हम यहाँ पहुंचे थे और सुबह मीठा करके यहाँ से निकल गए थे, तो थोड़ा सा दुर्गापुर भी घूम लेते हैं कि क्या है कैसा है कैसा माहौल है। बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार और, इधर ये खड़ी है भूजा, ये अपने विशाल भाई की है और अपनी गाड़ियां यहाँ अंदर आ चुकी हैं, बाकी वो एक R3 भी है विशाल भाई के पास। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए दुर्गापुर और विशाल भाई ने अपनी भूसा निकाल ली है, दूसरी बाइक मेरी रिश्तेदार है, तीसरी RS है, RS पे पिलियन बैठ चुका है, अपनी बाइक छोड़ चुका है, तो हम चारों लोग जा रहे हैं घूमने भाई। RS का ये बाइक फ्रंट से लुक। सो गाइस आज हायाबुसा और ZX Tenar के रिएक्शन और मजे लिए जा रहे हैं, मतलब कोलकाता, ये दुर्गापुर एक ऐसी सिटी है ना कि यहाँ पे इतने तगड़े रिएक्शन मिल रहे हैं यार, कि कभी उतने तगड़े रिएक्शन हमारे लखनऊ में हमको नहीं मिले, मतलब बाइकें जहाँ खड़ी हो रही हैं वहाँ एक एक बंदा पलट के देख रहा है और मतलब इतना खुश हो जा रहा है बाइकों को देख के कि वो खुशी वर्थ है यार, यहाँ आना वर्थ लगा है हमें।
तो गाइस दुर्गापुर आए और कुछ मीठा नहीं खाया, तो विशाल भाई हमें ले आए थे यहाँ मीठा खिलाने के लिए। ये बहुत ही बढ़िया लगा हमें, लाजवाब लगा। इस डिश का नाम क्या है भाई? रसगुल्ला। रसगुल्ला, हाँ हम ही रसगुल्ला काबे। और वहाँ पे दो बाइकें खड़ी है, वो देखो एक हाया बुजा। भाई एक्शन सुनो। हाँ रसगुल्ला मीन्स इन बंगाली वी कॉल इट रसगुल्ला। रसगुल्ला। तो यहाँ पे आप बाइक देख सकते हो। सबसे पहले बाइक का नाम बताने की जरूरत ही नहीं यार, एक्चुअली मैं दूर से खड़ा देख रहा था तो मुझे सिर्फ ये नजर आ रही थी, ये नजर ही नहीं आ रही थी यार। ऐसा लग रहा था कोई नॉर्मल बाइक खड़ी है, उसके बगल में अपनी बूजा खड़ी है खाली। है यार बूजा का रोड प्रेजेंस ऐसा है ना, एकदम चौकस ही, कहीं से भी देखो तो बूजा इज लव यार, रोड पे दिखेगी ही दिखेगी। सो गाइस फाइनली खा पी के हम लोग आ चुके हैं अपने कमरे पे वापस, अब ब्लॉग एडिट करना है। सो इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। कल हमारा यहाँ पे मीटअप नहीं है, परसों मीटअप है, बाकी कल यहाँ के लोगों के साथ हम राइड करेंगे, मजे करेंगे बाइक्स के। बाकी यार मजा तो आ ही रही है इस ट्रिप पे। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, इस ब्लॉग में भी बोल रहा हूँ, अगर मिस हुए तो आप रास्ते से मिस हो जाओगे, बिकॉज फिर मुझसे कमेंट करके मत कहना कि भाई मैं तो इंतजार करता रह गया आप मिले नहीं। अगर एक्यूरेट लोकेशन चाहिए तो अपडेट देता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।